दृष्टि आईएएस के टेलीकरण न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यह खबर हमने पीआईबी से ली है और खबर है महिला सशक्तिकरण के लिए वित्त मंत्रालय की योजनाएं। वित्त मंत्रालय ने पिछले 7 वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं ने महिलाओं को बेहतर जीवन जीने और उद्यमी बनने के उनके सपनों को साकार करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को देखते हैं। पहली, स्टैंड अप इंडिया योजना। यह योजना आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की प्रत्येक बैंक शाखा में ऋण की सुविधा देना है। 26 फरवरी 2021 तक स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 81% से अधिक अकाउंट के ऋण महिला उद्यमियों के लिए मंजूर किए गए हैं। दूसरी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी पीएमएमवाई। पीएमएमवाई की शुरुआत अप्रैल 2015 में गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। मुद्रा योजना के तहत प्रारंभ से 26 फरवरी 2021 तक लगभग 68% से अधिक खातों में महिला उद्यमियों के लिए ऋण मंजूर किए गए हैं। तीसरी, प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी पीएमजेडीवाई। यह योजना बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 2014 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत 24 फरवरी 2021 तक कुल 41.93 करोड़ खातों में से 23.21 करोड़ खाते महिला खाता धारक के हैं।